हेलो गाइस, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है आपका आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी स्टूडेंट आपका सीएसआर एंड फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, इन सब के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप सबको मतलब आप देखते हो या फिर कोई भी आपको ज़्यादातर सजेस्ट करता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये एक स्ट्रैटेजी आप बढ़िया से फॉलो कीजिए। जैसे कि अगर आप आईआईटी एग्जाम का मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गेट का, सीएसआर, नेट का, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के अलावा, ठीक है ना, ऑल इंडिया के जितने भी भारत के आपके बोल सकते हैं एमएससी लेवल के एग्ज़ाम्स, जितने भी आपके बीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स, ठीक है ना, वो जो पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करिए। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पढ़ने, नहीं, ठीक है ना, उसमें भी आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कई लोग दिमाग में आ जाएगा ना कि यार इतने सारे हम एग्जाम्स के पेपर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, बस अपने सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप हमेशा अगर ऐसे देखते हो पेपर्स को, अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको आइडिया लगेगा गाइस कि बहुत सारे ऐसे जो पेपर्स होते हैं आपके एग्जाम्स के, कभी कभी ये जो क्वेश्चंस हैं ना एक्सचेंज किए जाते रहते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखोगे आपकी जो कुछ साल पहले आपके गेट में आया था, हो सकता है कुछ साल बाद आपके एग्जाम में आ चुका है, या फिर हो सकता है कुछ साल बाद वो नेट में आ चुका होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं गाइस, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एमएससी के भी, मतलब उस पे बेस्ड नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, भले ही आप आईटी एग्जाम की तैयारी करो, नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन सिलेबस पे बेस्ड, ठीक है ना। सिलेबस के क्वेश्चन जो भी होंगे, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन देखिए, छांटिए क्या आपके उसके पेपर में मिल रहा है क्या, तो आपको बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप आज तक यूज़ नहीं कर रहे थे तो ज़रूर यूज़ कीजिए और बताइएगा कुछ दिन बाद कि कैसा फ़ायदा हो रहा है और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया बूस्ट होगी गाइस, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस बस आपको ध्यान रखना, उसके बाद किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो टॉपिक है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं तो यार आपको आइडिया तो लगेगा ना कि मतलब किन किन तरीकों के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, किस किस एग्जाम में किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।